भाई इसका जिगल। मैसी का स्टेटमेंट सुना आज। मैं ई-स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ई-स्पोर्ट्स वैसे भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो दो क्षण मैं जरूर लूंगा थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने के लिए। ई-स्पोर्ट्स बेसिकली जो भी ई-स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं वो अपना फिजिकल और मेंटल स्किल को यूज करके कुछ कैटेगरी ऑफ वीडियो गेम्स पे जब कंपटीशन करते हैं तो उसको ई-स्पोर्ट्स बोलते हैं। और ये ई-स्पोर्ट्स जो है वो डिवाइस एग्नोस्टिक होता है, मतलब आप मोबाइल पे खेल सकते हैं, प्ले स्टेशन पे खेल सकते हैं, सिमुलेटिंग गेम्स होती हैं उस पर आप कर सकते हैं। तो इसकी 5 जॉनर्स हैं जो हम डिफाइन करते हैं। और इंडिया में थोड़ी सी एक कंफ्यूजन थी ई-स्पोर्ट्स को लेके, अक्सर लोग फैंटेसी, तीनपति, रमी, पोकर, और यहाँ तक कि अगर आप कैजुअली अगर कोई एक वीडियो गेम भी खेल रहे थे उसको भी लोग ई-स्पोर्ट्स से कंफ्यूज कर लेते हैं, वो ऐसा नहीं है। एंड इस डिस्कशन को या इस कंफ्यूजन को हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी ने December 22 में एक गजट पास होकर ई-स्पोर्ट्स को एक प्रॉपर एक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा गया। एंड ना सिर्फ हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है ई-स्पोर्ट्स को लेकर, बट इसके अलावा वेरी रिसेंटली इंडियन ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उन्होंने भी ई-स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करा है एज अ स्पोर्ट। एंड अगले साल से ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स गेम्स स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट एडिशन इसका सऊदी अरेबिया रियाद में होगा। एंड इसके अलावा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया बहुत ही प्रोग्रेसिव रही, उन्होंने ई-स्पोर्ट्स को 2007 से इंक्लूड करा हुआ है, और पिछले साल जो एशियन इंडोर गेम्स हुए थे उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा, और हम लोग 5th आई लीग ऑफ लेजेंड्स के लिए 2018 में हम लोग देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर आए थे। और ई-स्पोर्ट्स को हम वेव्स में लेकर आ रहे हैं, और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम लोगों ने प्लान करी है। इसको लेकर हम लोगों ने 3 गेम टाइटल सेलेक्ट करे हैं, एक ई फुटबॉल है, एक WCC है, और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है। ई फुटबॉल और वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप जो है फुटबॉल और क्रिकेट की सिमुलेशन गेम्स हैं। WCC मेड इन इंडिया वीडियो गेम है, और इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है। हम लोगों ने इस पूरे शेड्यूल को 4 बैचेस में डिवाइड करा है। सो 4 बैचेस के जितने भी विनर्स होंगे इन 3 गेम्स के, उनको हम लोग गोवा लेकर आएंगे। और इसके अलावा हम लोग जो हमारे जो अदर कंट्रीज़ की जो नेशनल टीम्स हैं इन सब गेम्स के लिए, उनको भी हम गोवा में फाइनल्स के लिए इन्वाइट करेंगे, और ऑब्वियसली जो विनर्स होंगे उनको कैश प्राइज एंड गुडीज वगैरह देंगे। और उसके साथ हम लोगों ने कोचिंग का भी, इंडियन जो हमारे स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं उनके लिए वो प्रोग्राम बिल्ड करा है। तो रजिस्ट्रेशन हम लोग 23 अगस्त, 1 सितंबर, 18 सितंबर, 4 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। क्वालिफायर्स 1 सितंबर, 18 सितंबर, 4 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, एंड बाय अराउंड 10 नवंबर आर यू नो द टीम्स एंड एवरीथिंग शुड बी रेडी, विच विल बी कॉल्ड टू गोवा फॉर द ग्रैंड फिनाले। और इसके जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स वगैरह रहेंगे वो यूट्यूब पे स्ट्रीम करे जाएंगे फॉर द मैक्सिमम रीच। एंड हमारा मोटिव यहाँ पर ये है कि हम क्रिएट क्या करते हैं, हम बेसिकली हमारे इंडिया से ई स्पोर्ट्स एथलीट्स क्रिएट करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड वी आर लुकिंग एट प्रोजेक्टेड पार्टिसिपेशन ऑफ अराउंड 5 लाख एंड व्यूअरशिप एंड रीच फॉर अराउंड 10 मिलियन व्यूअर्स। प्लीज, धन्यवाद। अरे यार, चोक कर दिया। वो जंप, हाँ यार जंप कर, ओए नाइस। नकुल खेलने वाले, इसके बाद चला जी। चल ठीक है। हाँ भाई, इसका जिगल 36 मारा। चला जा, क्या मार दिया जिगल। हाँ भाई, निंजा का जिगल ऐसे ही है भाई। तेरे किल क्यों नहीं आते भाई? आप लोग मेरा किल क्यों देख रहे हो? आप ये देखो ना कि जो मेन है चीज वो कैसा चल रहा है। मैं तुम लोग को बोला हूँ कितनी बार कि मैं अभी जस्ट आया हूँ। आई नो तुम लोग की एक्सपेक्टेशंस बहुत है, बट थोड़ा तो टाइम दो। अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ है लोगों, एटलीस्ट प्लेयर्स को कितना टाइम लग जाता अपनी टीम के साथ बैठने में। मैं तो फिर भी थोड़ा टाइम मांग रहा हूँ आप लोग उतने में भी। मेरे को बोलते हो कि किल नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। किल थोड़ी ना हर चीज होता है, मेन होता है टीम को सपोर्ट करना, कैसे टीम को सपोर्ट करे, ये सब रहता है। एंड अभी अभी स्टार्ट किया है, सिनर्जी वगैरह लाइक वो लोग का जो माइंड सेट होता है, प्लान रहता है, उसमें मैं अभी सीख रहा हूँ कि कैसे वो सब जल्दी करूँ। थोड़ा तो टाइम दो भाई। और अभी स्क्रीम्स इसीलिए हम लोग इतना प्रैक्टिस करते रहते हैं कि वो सब चीज़ें जल्दी हो पाए। फिर भी आप लोग अगर ये करते रहोगे तो कैसा हुआ? थोड़ा तो टाइम दो। अगर मैं कुछ भी गंदा खेल रहा होता, कुछ भी ख़राब खेल रहा होता कुछ भी, तो ये लोग भी तो फिर टेंशन लेते ना। ये लोग को मेरे पर ट्रस्ट है, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे पर ट्रस्ट रखो। थोड़े टाइम 10 दिन करीबन हुआ नहीं होगा, और आप 1-2 मैच, जितने भी मैचेस हैं लेके जज करने लग जाओगे, तो भाई ऐसे तो फिर कभी कोई प्लेयर, फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा बाबू। लोग मैसी का स्टेटमेंट सुना आज, पता है उनको क्या पता नहीं उनको क्या दिक्कत है? नहीं सुना भाई मैंने कुछ, पता ना आप लोगों ने सुना होगा तो।